आवाज करो पब्लिक, आवाज करो. नहीं करना था, नहीं करना था, सेट का पार्ट है. दो तीन बार गली बॉय देखा, पागल हो गया मैं. इमेजिन गाइस आर इन अ लाइव कॉन्सर्ट, ठीक है, रैपर आता है और बोलता है आवाज करो पब्लिक. तुम लोग आवाज करोगे? तुम लोग लाइव कॉन्सर्ट में हो, आई अंडरस्टैंड दैट. पर दो दिन पहले एक रैपर को देखा, वो इंस्टाग्राम लाइव पे आके बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक यहाँ पे? पब्लिक क्या बोलेगी, तेरे को बोलना है. इसके फैंस प्रेशर में आ गए, इसके फैंस इनका आईक्यू थोड़ा नेगेटिव में है. फिर ये बोलने लगा आवाज करो पब्लिक. बोलो बोलो बोले अभी क्या करें हम लोग, बोलो इतना प्रेशर में आ गए. बोलो कमेंट सेक्शन में निकलने लगे आवाज 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 आवाज. फिर ये प्रेशर में आ गया, अब मैं क्या करूं, ये पागल हो गया. इसने बोला और आवाज करो पब्लिक. वो लोग कैप्स में लिखने लगे आवाज आवाज आवाज. फैंस ऑफ पबजी इन द हाउस, गिव मी अ लाउड चीयर. सब लोग पबजी खेल रहे हैं. मोदी राम क्यों जाता है यूएस पबजी? इमरान खान अलग टीम में रहता है. हेडशॉट. पब्लिक पागल हो गया यार पबजी खेल खेल के. मैं वॉक के लिए जाता हूँ, उधर एक बंदा पूरे गियर के साथ आता है, नाइकी का जूता, एडिडास का गियर. मैं वॉक कर रहा हूँ, वो बैठ के पबजी खेलता है उधर. मैं वॉक कर रहा है, मैं वॉक कर रहा है, इसका चालू है, तू भाग ना तू भाग. मैं डर के भागने लगा उससे यार, 5 किलो कम हो गया मेरा. उस दिन एयरपोर्ट पे दो बच्चे, उनका बाप, उनका चाचा, उनके दो कजिन्स, सब पबजी खेल रहे हैं. उनका चालू है. बाप बेटे को बोले, देखो चाचा को मैं कैसे ट्रक से उड़ाता हूँ. बेटा बोलते भैया को हेडशॉट से मारू, पापा बर्तन बाहर मार के मारू. मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है यहाँ पे. सी व्हेन पीपल प्ले पबजी राइट, दे डोंट रियलाइज दे आर इन्वेडिंग इनटू समवन एल्सस प्राइवेट स्पेस. ठीक है, तो ट्रेन में ना लोग पबजी खेलते हैं, सब्जी के साथ पबजी, पागल हो गया. ट्रेन में दो जोन में झगड़ा होता है. See, जब सुबह लोग झगड़ा कर रहे हैं ना, तो हम लोग रोकते हैं उनको. जब दो लोग शाम को झगड़ा कर रहे हैं ना, तो हम लोग सट्टा लगाते हैं. झगड़ा ऐसे चालू होता है, एक बंदे का हाथ दूसरे बंदे को लगता है, बोलता है तेरा हाथ लग रहा है मेरे को. दूसरा बंदा बोलता है तेरा हाथ नहीं, इतने वीडियो मेरा बहुत कुछ लग रहा है तेरे को. आप एक होमोफोबिक से अंकल होते हैं, वो बोलते हैं नॉनवेज बात मत किया करो, नॉनवेज बात मत किया करो. उनका चालू रहता है, तू मेरे को बाहर मिल, तू मेरे को बाहर मिल, तेरे को मारेगा, मैं तेरे को मारेगा. तो बोलते हैं नहीं मैं विरार में रहता है, तू विरार आ, मैं तेरे को रिटर्न का भाड़ा देता है. लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम गाइस इन दिस सिटी, लड़ भी नहीं सकते लोग. चालू है लोग का, ठीक है, उधर 50 का रेट चल रहे, मोटा मोटा मारेगा उसको. कोने से आवाज आता है, तू मार ना, तू मार, मैं देखो हेडशॉट देता है, तू मार. तो भैया कोने में रहता ना पबजी खेल रहा होता है, सबकी गांठ फट जाती है ट्रेन में. उन्होंने थम्स अप का ऐड देखा है क्या? अभी वो रणवीर सिंह का है ना, सब कूदता है वो माउंटेन से नीचे गिरता है और फिर थम्स अप पीता है और बोलता है आज कुछ तूफानी करते हैं. देखा मेरे को ना, अभी तक थम्स अप का टारगेट ऑडियंस नहीं समझ में आया, ये लोग का टारगेट ऑडियंस कौन है? देखो द मैक्सिमम तूफानी या मिडिल क्लास गाय विल डू, वो प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालेगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा. इतना ही तूफानी बस हो गया. बट विम बार को अपना टारगेट ऑडियंस मालूम है. विम बार वेरी वेल नोज इट्स टारगेट ऑडियंस. विम बार का एक ऐड है, एक लड़की अपने दीदी के पास जाके बोलती है दीदी आप इतना अच्छा पेस्ट्री बनाती हो, आप अपना केक शॉप क्यों नहीं खोलती? और दीदी बर्तन मांज रही है. जिंदगी भर के कश्मकश में मेरे सपने अधूरे रह गए. फिर बोलती है ओ आज बर्तन साफ इतने जल्दी. पीछे से उसका पति आता है, ये लो विम बार.
अब डबल नींबू की शक्ति के साथ अब तुम अपने सपने पूरे कर पाओगी. ऐसा नहीं डिशवॉशर ला के दूंगा, नहीं बोलते अब तुम अपने सपने पूरे कर पाओगी, पहले बर्तन दो औरत.